नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं इस देश के युवा संतूर वादकों में एक जाना माना नाम, ऋषिकांत तिवारी जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया नमस्कार। आपने इस बातचीत के लिए आज मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषि जी, सबसे जो मूल प्रश्न है जो हर कलाकार से पूछा जाता है, और सवाल तो एक ही होता है, हालांकि उसके जवाब अलग अलग मिलते हैं, और सवाल यही होता है कि ये संगीत शुरू कैसे हुआ था। तो आप भी यही बताइए कि आपका संगीत सफर जो है, संगीत सीखने का जो सिलसिला है, वो कैसे शुरू हुआ। जी भैया, इस यात्रा की शुरुआत एक्चुअली हुई ऋषिकेश से, क्योंकि तो ऋषिकेश में मेरा जन्म हुआ। हुआ ऐसा कि पिताजी हमारे ऋषिकेश में एक आश्रम में व्यवस्थापक के पद पे कार्यरत थे, अभी भी हैं, अपनी सेवाएं वहां पे दे रहे हैं। तो उस आश्रम में ही उनको आवास मिला हुआ था, तो मेरा जन्म वहीं पे हुआ। और उसके बाद स्कूल की शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा, और उसके बाद भी जितने समय तक मैं ऋषिकेश में रहा, मैं उस आश्रम में ही रहा। तो जैसा कि आपको पता है कि आश्रम जो होते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। तो उसमें तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब होते ही रहते हैं। तो कुछ तो कार्यक्रम डेली शेड्यूल के होते हैं, और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि कोई विशेष तिथि या त्योहार पे आयोजित होते हैं। तो इन्हीं सभी कार्यक्रमों को भैया बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। अब जैसे कोई कथा हो रही है, कोई सत्संग हो रहा है, कोई प्रवचन हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, गीता पाठ चल रहा है, या है ना, सुंदरकांड पाठ हो रहा है, तो इन सभी कार्यक्रमों को मतलब वहां पे रह के बड़ी नजदीक से देखने का अवसर मिलता था। और ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम से ही आकर्षण हो गया, या किसी ने पुश किया आपको कि आप जाइए, आपको संगीत ही करना है। मतलब धीरे धीरे चीजों को देखते देखते, सुनते सुनते, वो उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता गया, या ऐसा कह लीजिए कि संगीत ने ही धीरे धीरे मेरे को अपनी तरफ खींचा। क्योंकि तो परिवार का कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, हमारे फैमिली में पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो कि इसको इतनी गंभीरता से लिया है जिसने, और जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी सारी किसानी की रही, हमारे दादा परदादा, उसके पहले के लोग, और अभी भी हमारे चाचा वगैरह जो भी हमारे गांव पे रहते हैं, वो अभी भी खेती बाड़ी चलती है वहां पे। तो यूपी में, यूपी बिहार के बॉर्डर पर उस क्षेत्र में एकदम आखिरी का गांव हमारा पड़ता है। वो हमारा गांव है, और उसके बाद एक नदी आती है जो कि बॉर्डर का काम करती है, और उसके बाद अगला गांव जो पार करती पड़ता है वो बिहार में आ जाता है। तो वो क्षेत्र एक्चुअली पहले तो बनारस जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में चंदौली जिला बना, तो वो क्षेत्र अब चंदौली जिले के उसमें आता है। तो ऐसा ही था शिवेंद्र भैया, चीजों को देखते देखते धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षण हुआ, और मैं खींचता ही चला गया। अब पहले तो ये था कि दूर से सुनते थे चीजों को, फिर जब चीजें अच्छी लगने लगी तो पास आके सुनने लगे, फिर सत्संग भवन के अंदर जाके बैठने लगे, फिर धीरे धीरे कलाकारों के पास जाके बैठने लगे। कोई भजन गा रहा होता था तो वहां पे ताली की सेवा देते थे। फिर ऐसा होता था कि जैसे कोई विद्यार्थी बैठ के मजीरा बजा रहा है और उसको छोड़ के कहीं वो बाहर गया, तो हमने उठा के मजीरा बजाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से जो आचार्य जी कोई भजन गा रहे होते थे, तो उनको देख के ऑब्जर्व करते थे कि अरे ये आचार्य जी कैसे हारमोनियम बजा रहे हैं, उसमें वो हवा भर रहे हैं, कोई की दबा रहे हैं तो उसमें से साउंड निकल रहा है, ऐसे कोई शास्त्री जी तबला बजा रहे हैं, तो उनको देख के भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई वो कैसे बजा रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे खेल में ही पहले इन सब चीजों को करना शुरू किया। अब जैसे कार्यक्रम जब समाप्त हो जाते थे तो हारमोनियम तबला सत्संग भवन में रखा रहता था, तो खेल खेल में वहां पहुंच जाते थे, और वो क्या कहते हैं कि फिर उसको बजा के देखते थे कि यार वो आचार्य जी ऐसे कर रहे थे, चलो हम भी करके देखते हैं। तो उसमें हवा भरते थे और कोई की दबाते थे, और उनमें से जब साउंड निकलता था तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, अरे आज हमने हारमोनियम बजा लिया। तबले का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। तबले पे भी पहले जो है कुछ ऐसी मतलब हाथ वात मारते थे, और फिर लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते आश्रम के कार्यक्रमों में जितनी भी तालें प्रयोग में आती थी, जैसे कैरवा दादरा और रामचरितमानस में कुछ दीपचंदी और रूपक छंद में काम आते हैं, तो सुनते सुनते लोगों को देखते ही देखते मेरे को सब चीजें धीरे धीरे करके मैं बजाने लगा अपने आप से। और फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि वो आश्रम का तबला था, उस पर शुरू में मतलब रियाज करना शुरू किया। फिर बाद में जब
पिताजी ने देखा कि इसको शौक है लग रहा तबले का बजाने का, तो उन्होंने तबला खरीदवा दिया। तो फिर मैं उसके बाद क्या करता था कि जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, ये फिल्मी गीत कोई भी या भजन, उसके साथ में बजाता था। तो इस तरह से करते करते क्या हुआ कि वो एक लाइट म्यूजिक में जो तबला बजता है भजन कीर्तन में, फिल्मी गीतों में और गजलों वगैरह में, तो वो तबला जो है मैं बजाने लगा। और जैसे आश्रम में कभी कोई कलाकार आता था तो मैं उनके पास जाता था, मिलता था, बैठता था, तो वो भी जब देखते थे कि इस बच्चे को शौक है, ये करना चाहता है, तो वो भी कहते थे बेटा कल आना तो कॉपी कलम लेके आना, मैं आपको कुछ लिख के दूंगा, तो आप उसका जो है रियाज करना। तो ऐसे कुछ कुछ मेरे को मटेरियल मिल जाता था तो मैं उसका रियाज करता था। तो इस प्रकार से ऋषिकेश में ही मतलब थोड़ा सा वो संगीत के बीज मेरे अंदर पड़े और एक यात्रा शुरू हुई। फिर उसके बाद ऐसा होने लगा कि जब लोग देखने लगे कि यार ये तबला लड़का तबला बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है, तो लोग अपने साथ कार्यक्रमों में मेरे को ले जाने लगे। कार्यक्रम भी वो ऐसे ही होते थे, भजन संध्या, कहीं सुंदरकांड का पाठ, उस तरह के कार्यक्रम लाइट म्यूजिक के, क्योंकि ऋषिकेश एक धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, तो वहां पे जो माहौल है वो भक्ति संगीत का ही है। क्लासिकल का कोई वहां पे उतना ज्यादा माहौल उस वक्त था नहीं, तो कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो शास्त्रीय संगीत वहां पे करते थे, उनके भी दर्शन साल में एक ही दो बार होते थे। तो वहां पे रहते हुए संगीत हमारे लिए यही था, भजन कीर्तन कथा, और इन्हीं सब चीजों में पहले जाना शुरू किया। और काफी समय तक ये सब जो है मैं करता रहा, जब तक मैं ऋषिकेश में रहा। और फिर उसके बाद जहां तक संतूर की बात है, तो हुआ ऐसा कि शुरू से हम लोगों को ये बताया गया कि बेटा संगीत ये आपके मनोरंजन की चीज है ना, जैसे आप और कोई खेलकूद करते हो वैसे ही ये आपके लिए संगीत, आप शौक से करते हो, है ना, तो ये आपके लिए वो है, बाकी करना आपको कोई नौकरी चाकरी ही, ताकि आपकी कोई अच्छी इनकम हो आगे जाके, है ना, आप घर गृहस्थी अपनी बसाओ, उसमें आगे बढ़ो, है ना, ये शौक की चीज है करके, तो नौकरी करनी है आपको। तो फिर मैंने एक यहाँ दिल्ली में कंपनी में इंटरव्यू दिया, यहाँ मेरी जॉब लग गई। उस समय के लिए संगीत पे विराम लग गया। तो अब दिल्ली आया तो मैं जो है बिना संगीत के थोड़ा सा मेरे अंदर छटपटार होने लगी, क्योंकि इतने साल तक वहाँ संगीत में रहे, कुछ ना कुछ करते ही रहे, और यहाँ पे आके एकदम संगीत से दूर हो गए। वही सुबह उठ के ऑफिस जाना, वहां से वापस आना, सो जाना, अगले दिन फिर वही करना, यही रूटीन रहने लगा। तो एक बेचैनी सी अंदर हो गई, और फिर मैं यहाँ पे ढूंढने लगा कि यार दिल्ली भारत की राजधानी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संगीत तो होता ही होगा। तो वह फिर अखबार पढ़ते थे हम, तो उसमें कोई भी अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें एक पन्ना आता था शनिवार या इतवार के दिन, उसमें हफ्ते के जितने भी कार्यक्रम हो रहे होते थे उन सब का विवरण रहता था। तो वो पढ़ने लगा मैं, और ऐसे ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों को सुनने जाने लगा। तो जैसे हैबिटेट सेंटर दिल्ली में है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, कमानी ऑडिटोरियम है, तो वो उन सब केंद्रों पे मैं एकदम रेगुलर हो गया। मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन कार्यक्रम कहीं हो रहा होता था तो मैं 7ों दिन जाता था। वीकेंड्स पे अगर कहीं सुबह कुछ हो रहा है और शाम को कुछ हो रहा है तो मैं सुबह भी जाता था, शाम को भी जाता था। तो पहले क्लासिकल संगीत के बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं था, लेकिन वो लगातार सुनने से धीरे धीरे मेरे को उसके बारे में भी पता चला कि भाई शास्त्रीय संगीत कैसा होता है, इसमें कैसा गायन होता है, इंस्ट्रूमेंट वाले कैसा बजाते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को सुनते सुनते उस संगीत की भी समझ होने लगी। यहीं पे फिर मैंने संतूर भी सुना, तो संतूर के प्रति एक आकर्षण हुआ। वहाँ ऋषिकेश में जैसे तबले के प्रति हुआ था, यहाँ पे संतूर के प्रति हुआ। तो फिर बाद में ये हुआ कि सीखना चाहिए, तो जब सीखना चाहिए तो फिर किसका सीखना चाहिए, तो संतूर तो मैंने कई जगह से सुना था, लेकिन एक पंडित तरुण भट्टाचार्य जी का जब संतूर सुना तो उस संतूर की बात मुझे कुछ अलग लगी। वो जो कश्मीर का संतूर है उससे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि मगर घराने से वो आते हैं, और उनके मेरे ख्याल पहले गुरु भी सितार वादक थे, और दूसरे गुरु तो भारत रत्न पंडित रविशंकर जी थे, वो भी जाने माने दुनिया के सितार वादक थे। तो उनके संतूर में मेरे को जो लगा वो ये लगा कि सितार और सरोद की शैली का ज्यादा उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मतलब हमारा शास्त्रीय संगीत जो जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर मुख्यता से बजता है, वो बाज उनके संतूर में मेरे को देखने को मिला। तो उसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ विशेष करके। तो उनका कांटेक्ट निकालने की कोशिश करी, तो वो उनकी एक संस्था है, उसका नंबर वगैरह मेरे को मिल गया। तो वहाँ के किसी पदाधिकारी ने फोन उठाया, फिर मेरी उनसे बात कराई, और फिर
फिर ये सीखने का सिलसिला चल चल पड़ा। हालांकि संतूर करते हुए मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ, 2018-19 में मैंने उसे शुरू किया। फिर उसके बाद 2 बार मेरा कलकत्ता जाना हुआ, उसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया, फिर ऑनलाइन सब चलता रहा। तो इस प्रकार करके भैया संगीत की यात्रा शुरू की।
लेकिन ऋषि इतना आसान नहीं होता। तरुण भट्टाचार्य, पंडित तरुण भट्टाचार्य इस देश के बहुत जाने माने संतूर वादकों में हैं, और आपका कोई ऐसा म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं था। आपने उनको संपर्क किया, उनको वो माने कैसे, मतलब वो आपको सिखाएंगे ये किस किस तरह से वो राजी हुए आपको सिखाने के लिए? भैया बिल्कुल ठीक प्रश्न आपने किया, क्योंकि तो जितने बड़े बड़े कलाकार और गुरुजन होते हैं वो भी योग्य शिष्य की तलाश उनको रहती है, तो वो लोग बड़े ही पारखी होते हैं, चीज़ों की परख उनको होती है, वो भी समझते हैं कि भाई कौन योग्य है कौन नहीं है। तो मैं जब गया उनके पास तो उन्होंने बैकग्राउंड सारा पूछा है, क्या करते हो कैसे करते हो, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कई वर्षों से मैं तबला बजा रहा हूँ और सुगम संगीत में तबला बजाता हूँ, और आपका संतूर मैंने कई बार दिल्ली में भी सुना है, आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सुनता हूँ, और कुछ मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी थी वो तबला वगैरह की, मैंने उनको सुनाई तो फिर उनको लगा कि हाँ ये लड़का जो है संगीत की इसको दिलचस्पी है, इसको रुचि है, तो इसको सिखाना चाहिए, तो वो राजी हो गए सिखाने के लिए। और एक गुरु के तौर पर, जैसा भी आपने कहा कि उनके संतूर में सितार और सरोद की भी महक है, एक गुरु के तौर पर किस जी तरह का स्नेह उनसे अब मिलता है आपको? जी जी उनका स्नेह सदैव प्राप्त रहता है, और कभी भी बात होती है तो बड़े अच्छे से बात होती है उनसे, और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि उनका सिखाने का तरीका भी बड़ा यूनिक है, वो अगर पाते हैं कि भाई कोई शिष्य मतलब योग्य है तो फिर वो मतलब नॉलेज ट्रांसफर में फिर वो देरी नहीं करते, क्योंकि तो अगर उनको लगता है कि ये बंदा रिसीव कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो फिर वो कहते हैं कि भैया अगर कोई मेरे को ऐसा बंदा मिलता है तो 2-3 साल के अंदर ही मैं उसको सारा दे देता हूँ, फ्री कर देता हूँ, जाओ बेटा तुमने सीख लिया जाओ, है ना। तो ये उनकी तरफ से एक बड़ी अच्छी चीज होती है, और दूसरी एक और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि उनकी तरफ से पूरा फ्रीडम दिया गया, ये नहीं कि मतलब जैसा संतूर मेरा है आप उसी तरह का संतूर बजाओ, जिस तरह से उसको मैं लेके बैठता हूँ आप उसी तरह उसको लेके बैठो, जिस तरह की कलम मेरी है उसी तरह की कलम आप भी बनवाओ, और जो मेरा पकड़ने का स्टाइल है आप भी उसी तरह करो, ये उनका आग्रह नहीं रहता, उनका ये रहता है कि बेटा मैंने आपको बता दिया ये चीज़ इस तरह से बननी चाहिए, ये चीज़ आप मेरे को निकाल के बताइए, फिर आप किसी भी तरह बजा रहे हैं कैसे बजा रहे हैं उससे उसको लेना देना नहीं है, और आप मेरी ग्रिप एक अलग ही वो बन गई है, वो ना तो ये वाली ग्रिप मेरी है ना गुरुजी वाली ग्रिप है, तो एक वो ग्रिप अलग से मेरी बन गई, वो अपने तरह से मैं संतूर बजाने लगा, तो उससे उनको कोई एतराज नहीं, तो इस तरह का फ्रीडम भी उनकी तरफ से दिया जाता है। अच्छा ऋषि, कभी आपने ये सोचा कि मतलब एक बच्चा जिसका कोई संगीत का बैकग्राउंड नहीं है, उसने तबला, चलिए एक सर्व सुलभ, हर हिंदुस्तान में हर बच्चे ने तबला जरूर देखा होता है, वो बजाए ना बजाए एक अलग इशू है, हारमोनियम भी दिख जाता है। संतूर तो एक बहुत ही रेयर किस्म का वाद्य यंत्र है, बहुत कम ही दिखाई देता है आम जगहों पर। संतूर ही क्यों, मतलब और कोई वाद्य यंत्र या शास्त्रीय गायन क्यों नहीं,
हारमोनियम या तबला या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं जो बहुत कॉमन है, संतूर क्यों? कभी सोचा इस बारे में आपने? जी, वो एक आकर्षण की बात थी। आप देखते तो कई चीजों को हैं, लेकिन किसी किसी चीज के प्रति आप विशेष आकर्षित हो जाते हैं, तो वही चीज थी मेरे साथ। क्योंकि यहाँ दिल्ली में रहते रहते मैंने सारे ही लगभग इंस्ट्रूमेंट सुने थे, सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन, फ्लूट वगैरह, लेकिन संतूर इंस्ट्रूमेंट का एक जो साउंड था उसने मेरे को विशेष रूप से आकर्षित किया। ऋषिकेश में जब रहता था तो वो तबले का साउंड था जिसने मेरे को अपनी तरफ खींचा था। वहां पे जब कभी कार्यक्रम हो रहे होते थे तो आपको मालूम है कि पहले तो हॉल में एक साउंड लगती है, लेकिन ऊपर मंदिर के शिखर पर या किसी ऊंचे खंभे पे वो हॉर्न स्पीकर लगाए जाते थे, उनसे आवाज खूब दूर तक फैलती थी। तो मेरी हालत ऐसी होती थी, अगर मैं सुन लेता था कहीं से उसमें तबले की आवाज आ रही है तो मैं उस तरफ दौड़ा चला जाता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो एक आकर्षण हो जाता है किसी चीज के प्रति, वैसे जैसे वहां तबले के प्रति था, यहाँ वैसा आकर्षण संतूर के प्रति हो गया। तो वही बात है, जिसको जो चीज पसंद आ जाती है फिर वो उसी की तरफ जाना चाहता है, तो इस कारणवश मैं फिर संतूर की तरफ चला गया। चलिए ऋषि, अभी आपका जैसा आपने ही कहा कि संगीत सफर शुरू ही हुआ है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने बातचीत के लिए समय निकाला, और यूं जी ही आप के भीतर संतूर को लेकर जो आपको संतूर का जो आकर्षण है वो आकर्षण बना रहे, और अब खैर अब तो आप उसमें हर रोज डूबते ही जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।